हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज मैं किसी टॉपिक पर बात लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। क्या लेकर के आई हूँ, तो चलिए उस टॉपिक को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बीच में एक मतलब वीडियो बनाया था, मतलब लड़की लड़का होने के लक्षण, तो उस पर वो वीडियो हमारे कुछ लोग देखी हैं, हमारी सिस्टरें जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है, क्योंकि अभी नई नई उनकी मैरिज हुई है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। मैं नाम नहीं लूँगी और वो कमेंट नहीं करती पर मेरी वीडियो देखती ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि आप एक मतलब जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन जो डिलीवरी होती है, तो कैसे अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ खाना चाहिए, कैसे मतलब हर चीज़ की, जब हमारी डिलीवरी हो जाए सिजेरियन, तो उसके बाद हमें अपना कैसे मतलब अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपना देखभाल करना चाहिए, अपना और अपने बच्चे का। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात लेकर के आई हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने हर चीज़ खाया पिया, जो सब कुछ मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ और सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को, रियलिटी बताऊंगी, कोई बनावटी नहीं, कोई भी कुछ नहीं। क्योंकि वीडियो पर बहुत लोग इस यूट्यूब पर ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो केवल अपना यूट्यूब चलाने के लिए, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं मतलब कहूंगी आप लोगों को, ना ही कोई गलत आप लोगों को बात बताऊंगी, ना ही कोई गलत संदेश दूंगी आप लोगों को। जो मैंने, जैसे मैंने अपनी सुरक्षा की, अपनी देखभाल की है, केयर की है, जिस प्रकार मैंने अपने बच्चों की केयर की है, देखभाल की है, बस अपना एक्सपीरियंस, अपना ही सारा कुछ अनुभव मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो तो मेरी फ्रेंड है, वो तो जानना ही चाहती हैं, जो लोग, दो तीन लोग मेरी मतलब वीडियो देख रही हैं, पर जो हमारी सिस्टरें जो मेरे से जुड़ी हैं, और जेंट्स सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि वाइफ हैं, आप भी केयर करो, आप भी देखभाल करो। केवल एक पत्नी ही अपनी देखभाल नहीं कर सकती अपने बच्चे की, दोनों लोगों को मिलकर के मतलब सब कुछ संभालना चाहिए। तो आज मैं, चलिए शुरू करते हैं, नहीं वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कैसे देखभाल करना है, क्या क्या खाना है, कैसे क्या क्या चीज़ करना है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी जो है, और आप लोग ज़रूर करिए। मतलब क्योंकि कुछ हमारी बहनें हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, जो गांव देहात की भी हैं बहनें। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, गांव देहात की जो लेडीज़ें थी वो इतना मतलब जिसको कहते हैं ना शारीरिक मेहनत इतना ज़्यादा करती थी कि उनकी नस नाड़ियाँ सब ढीली रहती थी, और ना तो कोई इंजेक्शन, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। घर में ऐसे ही काम करते, इधर उधर घूमते टहलते उनकी डिलीवरी हो जाती थी घर में। सुबह पता लगा खेत काट के आई, घर का काम करके खेत से आ रही हैं, घर आई शाम को बच्चा पैदा हो गया। तो पहले की बात दूसरी थी, पहले की लेडीजें बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, खेती बाड़ी का, घर का भी, और बहुत ज़्यादा उनके पास गाय भैंस भी रहती थी, बहुत तरीके की जिम्मेदारियाँ वो निभाती थी, तो इससे उनकी सारी नसें ढीली रहती थी, तो नॉर्मल डिलीवरी घर में हो जाती थी, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन दिक्कत तब होती थी जब वो अच्छा अपना देखभाल नहीं कर पाती थी, अच्छा खाना नहीं ले पाती थी, कोई भी पोषक तत्वों से भरपूर कोई भी डाइट नहीं लेती थी, तो उन आगे चल के उनकी शरीर जो है कमज़ोर हो जाती थी। पर गांव देहात की लेडीज़ों को इतना सब कुछ नहीं पता होता है कि हमें डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वही पुराने ज़माने का जो सठौरा लड्डू होता था वही वो बना करके खा लेती थी, और नहीं तो काम के आगे उनको अपने शरीर की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपनी केयर करनी चाहिए, कैसे अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें बहुत ही देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, जब सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है
तो उसमें क्या है, घर में जो बहुत लोग होते हैं कहते हैं घी मत खाओ, तेल मत खाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, बहुत लोग अपने अपने विचार मतलब वो करते हैं, है ना। और देखिए इसमें सच्चाई ये है कि जब हमारा जो है सिजेरियन जब डिलीवरी होती है, और एक हफ्ता तो मुझे अस्पताल में रखा जाता है, ठीक है, मैं भी थी एक हफ्ता अस्पताल में, मेरे तो दोनों बच्चे सिजेरियन हुए, दोनों मतलब ऑपरेशन से मेरे दोनों बच्चे हुए हैं। तो जब पहला बेटा मेरा हुआ था तो मुझे पेन वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पर मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, पेन नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल मैं कोई भी घर का काम नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, बस खाती पीती थी और लेट ही रहती थी, बस इतना ही मेरे पास काम रहता था, मुझे कुछ काम ना, पहला पहला बच्चा था तो घर में मायके में थी तो मेरी माँ भी मुझे कुछ नहीं करने देती थी, कहती थी जाओ बेटा चुपचाप लेटो, तो मैं खाना वाना खा करके चुपचाप लेट जाती थी, थोड़ा बहुत वॉक करती थी लेकिन कोई भी काम वगैरह नहीं करती थी जो है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई हमको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी असंभव है, नहीं हो पाएगा। फिर मेरे सिजेरियन से मेरा बेटा हुआ, ऑपरेशन से हुआ। तो उसके बाद मैं एक हफ्ता रही, एक हफ्ते के बाद 7वें दिन मेरा जो है टाँका कटा था, और दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने मुझे खिचड़ी है पतली पतली दाल और रोटी इस तरह की चीज़ें धीरे 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 मतलब मैं खाई। फिर डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि इनको जो है 1.25 महीने तक मतलब घी तो बिल्कुल अवॉइड करना है, चिकनी चीज़ कोई भी नहीं खानी है इनको, मतलब 1.25 महीना क्या आप समझ लीजिए, 6 महीने तक चिकनाई वाली चीजें बंद है, नहीं खाना है, डॉक्टर ने साफ मुझे बोला था। सिर्फ हरी सब्जी, दाल और रोटी, पतली पतली बिल्कुल छिलके की तरह रोटी, और हरी सब्जी में पालक है, बथुआ, मेथी, मतलब हरी सब्जी कोई भी, डॉक्टर ने कहा खूब खाइए, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए। चावल मना कर दिया था कि चावल भी नहीं खाना, क्यों मना कर देते हैं चावल, क्योंकि चावल जो होता है ठंडा होता है, और चावल क्योंकि जब हमारा ऑपरेशन से हमारा जब मतलब डिलीवरी होती है तो जो चावल जब हम खाते हैं ना, क्योंकि वैसे भी सिर्जेरियन मतलब डिलीवरी में क्या होता है, पेट हम लोगों का निकल जाता है, ठीक है, मींजने उंजने को होता ही नहीं, मालिश वगैरह करने के लिए डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता है, हाथ वगैरह में मालिश करवा लीजिए, पैर में करवा लीजिए, पीठ में भी हल्के हल्के से, पर पेट में बिल्कुल मना होता है, 6 महीने तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। हाँ, सिजेरियन डिलीवरी में सबसे बड़ी देखभाल होती है अपने शरीर की साफ सफाई। तो जैसे हमें एक हफ्ते बाद हमें छुट्टी कर दी गई थी तो मैं घर आ गई थी, उसके बाद मेरी माँ सुबह मुझे आप सभी को बता रही हूँ मैं कि जब एक हफ्ते के बाद टाँका आपका कट जाए उसके बाद जब आप घर आ जाओ तो सवेरे नाश्ते में देखिए जो है क्या कहते हैं, जैसे चाय हो गया और अपना उसके साथ आप कोई भी बिस्किट ले लीजिए, नॉर्मली जो है ब्रेड ले लीजिए, उसके बाद 1.5 घंटे बाद आप एक सेब खा सकते हो, उसका छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़े करके आप एक सेब खा लीजिए, केला नहीं खाना, केला ठंडा होता है, तो बचाना चाहिए 1.25 महीने तक तो कोई भी चीज़, ठंडी चीज़ ज़्यादातर आप लोग अवॉइड करिए, मत खाइए। तो सेब आप ले सकते हो, अनार ले, अनार भी ठंडा होता है, अनार नहीं ले सकते हो, और सेब एप्पल लीजिए, एप्पल सबसे अच्छा है जो है, तो आप एक सेब ले लीजिए, उसके बाद 1-2 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। पर मेरी माँ ने मुझे क्या किया, एक हफ्ते तक तो जब हम एक हफ्ते के बाद घर आ गए थे तो मेरी माँ ने मुझे 1.25 महीने तक सिर्फ सिंपल डाइट हमारी कराई थी, सिंपल खाना मुझे खिलाया था, आप विश्वास मानो मुझे कोई आज तक कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी बहुत केयर की, मेरी भी और मेरे बच्चों की भी जो है। फिर वही सवेरे चाय ब्रेड या चाय बिस्किट, उसके बाद एक सेब छील के मेरी माँ देती थी मुझे, उसके बाद 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल की जगह थोड़ी सी हमारी माँ दलिया देती थी तो मैं दलिया, और हाँ सबसे बड़ी बात, पेट भर के खाना एक बार में नहीं खाना आपको, 1.25 महीने तक तो आप इतना जरूर ध्यान रखिए, एक बैग आप खाना खाओगे और ऑपरेशन हुआ है तो वो जाके पेट में पेट दिक्कत कर सकता है, गैस बना सकता है,
पचेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको खाना खाना है। दिन में आप चाहे 2-3 बार खा सकते हो, जैसे 1 रोटी 2 रोटी खा लिया, थोड़ी सी दाल खा लिया, दोपहर में भूख लगी तो फिर 1 रोटी दाल खा लिया, शाम को फिर चाय ले लिया, उसके साथ बिस्किट ले लिया, आप कुछ भी तेल वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, आपको मसालेदार कोई भी सब्जी नहीं खानी है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, 1.25 महीने तक तो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा मसाला वाली चीज़ें नहीं खाना। और ऑपरेशन डिलीवरी के बाद आप जो है अपने शरीर की साफ सफाई जरूर करिए। डेली आप जो है पानी लीजिए, पानी में 1-2 ढक्कन डिटॉल डालिए। डिटॉल डालने के बाद आप जो है अच्छे से अपने शरीर की जो है धुलाई करिए, नहाइए अच्छे से। और जहाँ पर हमारा ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर एक कॉटन की रुई ले लीजिए, थोड़ा सा पानी गर्म करके 1 ढक्कन उसमें डिटॉल डाल दीजिए, और उस रुई से लेके उस जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे अच्छे से रुई से डिटॉल से पानी जो डाला है आपने उसमें डिटॉल, उसमें पूरा साफ सफाई करिए। अपना साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि टाकों का विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 1 महीना मतलब 15 दिन तो ये हमारे मतलब बिल्कुल यार समझ लीजिए कमज़ोर रहते हैं, तो इनकी रख रखाव देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं टाँकों में, क्योंकि यदि इन्फेक्शन हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिस जगह पे मेरा ऑपरेशन हुआ है उसकी साफ, क्योंकि वो ओपन हो जाता है, टाँका काट दिया तो वो खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें कोई पट्टी वगैरह नहीं रहती, इसलिए आपको ध्यान से रगड़ के नहीं, वहाँ रगड़ना नहीं है, बस पानी लेना है, उसमें 1 ढक्कन डिटॉल डालना है, और रुई से लेकर के पहले तो साबुन से अच्छी तरीके से सब जगह नहाना है, उसके बाद डिटॉल भी डाल लीजिए पानी में, उसके बाद आप डिटॉल थोड़ा सा पानी में डाल के रुई से जहाँ पे ऑपरेशन हुआ उसको अच्छे तरीके से साफ करना है। इतना आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, जो है ये अपनी रख रखाव, अपनी साफ सफाई ऑपरेशन के बाद बहुत ज़रूरी है। और प्लस बच्चे के सारे कपड़े डिटॉल से धोइए, क्योंकि जो सिजेरियन जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का, एलर्जी होने का उन्हें बहुत खतरा होता है, इसलिए आप विशेष तौर से अपना और अपने बच्चे का बहुत ध्यान दीजिए। उसके सारे कच्छी सारे उसके सारे कपड़े डिटॉल से धोइए, डिटॉल से धो करके साफ करके अच्छी तरीके से तब उसको इस्तेमाल करिए, और उसके जो भी लंगोटे वगैरह हैं उसको भी सारे डिटॉल से धो करके उसको पहनाइए। ये नहीं कि हाँ गीला हो गया, बाथरूम कर दिया, डाल दिया, सूख गया तो फिर पहना दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सिजेरियन वाले बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप लोग बहुत साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा अपना और अपने बच्चे का, जो भी ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो प्लस सारे कपड़े हो गया, सारे अपनी देखभाल हो गई, अब आ गई खाना खाने की बारी आपकी। तो आप जो है 15 दिन तो आप इसी तरह सिंपल खाना खाइए, दाल रोटी सब्जी, चावल बिल्कुल नहीं खाना, अवॉइड करिएगा, चावल बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। और दूध है, दूध भी आप लीजिए तो उसकी सारी मलाई निकाल करके शाम को सोते वक्त, डॉक्टर वैसे भी पाउडर वगैरह देते हैं उसमें पीने के लिए, 1 चम्मच डाल के आप गुनगुना गुनगुना सोते समय आप 1 गिलास जरूर पीजिए, और रात में भी आप बिल्कुल हल्का खाना खाइए, पेट भर के, एकदम पेट भर के खाना, एक बार में नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना खाना है, और सुबह फ्रूट्स जरूर खाना है। और बच्चे को भी यदि आप फीड कराती हैं तो आप अपने जो है इसको भी साफ सफाई करके अपने बच्चे को फीड कराइए, और बच्चे का हमेशा जब भी दूध पी ले तो आप उसके मुंह को पोंछ दीजिए। और बच्चे को बहुत से गांव देहात में जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो कुछ लोगों को नहीं पता होता, बच्चे को नहलाते नहीं है, ठंड लग जाएगी, ऐसा है वैसा, लेकिन नहीं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो उनकी बात दूसरी होती है, पर जो सिजेरियन बच्चे होते हैं उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। आप गुनगुना पानी करिए, और अब तो तरह तरह के पाउडर, तरह तरह के साबुन चले हैं, जॉनसन बेबी सॉफ है, नहीं डिटॉल ले लीजिए, जो भी आपको, क्योंकि जो सिजेरियन बच्चे होते हैं उनकी स्किन ना बड़ी मुलायम होती है, उनकी देखभाल करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस वजह से आप जॉनसन बेबी सॉफ आता है, या गाँव देहात में जो महिलाएँ नहीं ले सकती तो डिटॉल ले लें, लाइफ बॉय ले लें, कुछ भी ले लें, अच्छे तरीके से उन्हें नहला करके, और उनके भी पानी में आप डिटॉल डाल दीजिए, डाल के अच्छे तरीके से उनका नाक कान मुंह मतलब हर जगह
जहाँ वो पोटिंग वगैरह का सारा हर जगह के स्थान उनके अच्छे से साफ करिए और फिर पाउडर डालिए। उनको मुलायम कपड़ा पहनाइए, कभी भी उन्हें सख्त कपड़े नहीं पहनाना। आपसे बताऊँ, मेरा भी बड़ा बेटा था, उसको हमारे यहाँ बहुत कपड़े मिले थे लोग, क्योंकि पहला बेटा हुआ था, लोग वहाँ ढेर सारे कपड़े लेकर के आए थे। तो खुशी के मारा हमारे यहाँ मैं भी गलती कर गई थी, क्योंकि मुझे उस समय कुछ पता नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, ना कोई कुछ बताने वाला था मुझे, तो मैं पहना दिया करती थी। उसके मार दाने निकल आते थे, रेसे हो जाते थे, मार चिल्लाता था, खुजलाता था, यहाँ पे दाने हो जाते थे, हर जगह हो जाते थे, उसको बहुत रोता था। फिर जब डॉक्टर के पूरे शरीर में दाने उसके पीछे आगे सब जगह निकल आए थे, फिर मुंह में भी दाने निकल आए थे, फिर जब डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने कहा, इतना उसको कड़े इतने इस तरह के कपड़े क्यों पहनाया, एकदम सॉफ्ट मुलायम कपड़ा पहनाइए। तो फिर हम वहीं से इलाहाबाद से 3-4 सेट उसके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीद के ले आए, फिर मुलायम कपड़ा उसको पहनाते थे, बनियाइन खुले में, ऐसे जब गर्मी अगस्त में मेरा बेटा हुआ था। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके कपड़े साफ़ सुथरे और एकदम मुलायम कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल भी इस तरह के कपड़े न होने चाहिए जो उनके शरीर को चुभे। पाउडर वगैरह लगा के अच्छे से उनके कपड़े पहनाइए, बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करिए आप जो है, और मालिश भी करते हैं तो आप जॉनसन, जो भी बच्चे को जो चीज़ सूट करे वही इस्तेमाल करिए। और डाबर लाल तेल है, सरसों का तेल, और एक चीज़ और बता दें, ऑपरेशन वाले बच्चों को सरसों का तेल बिल्कुल, आप मेरा कहना मानिए तो आप 15-20 दिन तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए, क्योंकि ऑपरेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में गर्मी होती है, सरसों का तेल होता है गर्म, तो आप ज़्यादातर हो सके कान नाक में आप डाल दीजिए, लेकिन शरीर में या आप जॉनसन बेबी ऑयल लगाइए या डाबर लाल तेल आता है उसको यूज करिए। 1 महीने बाद आप चाहे जो भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनकी रख रखाव बहुत ज़्यादा जरूरी, उनके शरीर में गर्मी बहुत होती है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब 15 दिन के बाद, और आप अपनी साफ़ सफाई करिए, डेली नहाइए, डेली साफ़ सुथरे से टांके को साफ करके 15 दिन बाद आपके टांके बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। 1 महीने के बाद बिल्कुल आपका टांका एकदम अच्छे से हो जाएगा। चलिए देखिए कोई आया फिर बात। हाँ, तो मेरे यहाँ आ गई थी मेरी सास जी के जो है इंजेक्शन लग रहा है इस समय, थोड़ा सा उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से, तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग 15 दिन तक विशेष तौर से अपना विशेष ध्यान दीजिए, सिंपल खाना खाइए, दाल रोटी हरी सब्जी फ्रूट सलाद खूब इस्तेमाल करिए, इसको खूब अच्छे से खाइए, ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, तेल वाली चीज़ें नहीं खाना, और घी को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बहुत सी हमारी बहनें अंडा खाने लगती हैं कि अंडा खा लेंगे तो टाँके सूख जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग 15 दिन तक अवॉइड करिए। 15 दिन के बाद आप एक अंडा ले सकते हो, और अंडा में आप जो है थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए और खा सकते हैं आप, ताकत देता है, एक अंडा खा सकते हैं, ज्यादा नहीं। मतलब 15-20 दिन आपको बहुत अच्छे से अपना विशेष तौर से ध्यान देना है, मैंने इसी तरह फॉलो किया है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मुझे आप लोग विश्वास मानिए आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने बहनों को मैंने सुना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, टांका दर्द कर रहा है, ऐसा है वैसा है, भगवान की प्रभु की इच्छा है, मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई, भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो 15 दिन ये आपका निकल गया, और आप मालिश अपने बच्चे की कराइए, अच्छे से कराइए, लेकिन जब भी नाउन आए, देखिए ऑपरेशन वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, यदि कोई भी नाउन, ऐसा नहीं है नॉर्मल वाले बच्चों के लिए भी बहुत केयर करना चाहिए, पर जो सीजेरियन बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी देखभाल हमको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। तो जो नाउन भी आती है तो उसके हाथ आप अच्छे तरीके से डिटॉल से साफ करवा दीजिए, वो कर दीजिए, तब बच्चे को अपने दीजिए, फिर साफ सुथरा, ताकि उसके हाथ रहे तो बच्चे को वो टच कर सके, ठीक है। और उसका जब 15-20 दिन हो जाए, 15-20 दिन 1 महीना हो जाता है, तो आपका टाँका धीरे 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 वो मजबूत होने लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपने अच्छे से देखभाल की है, और मैं जैसे बता रही हूँ आप लोग वैसे ही करिएगा। जिनके भी डिलीवरी होने वाली है, जो जिनके सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है उनके लिए मैं सब बता रही हूँ, ठीक है। फिर जब 1.25 महीना 1 महीना हो जाए, तब मेरी माँ ने, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपसे, जब 1 महीना मेरे को हो गया तो मेरी माँ ने मुझे क्या किया,
देखिए घी तो हमको ज़्यादातर चिकना मसाला, आप अगर 6 महीना हो सकता है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप 6 महीना ज़रूर करिए। अगर आप कर ले जाओगे तो भविष्य में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बिल्कुल दावे से कहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बस केवल जीभ पे आप कंट्रोल कर लेना 6 महीने तक। अगर कोई समस्या हो जाए तो फिर ये सीमा मौर्य ब्लॉग ब्लॉग में आप कमेंट करके जो जरूर बताएगा, पर मैं ये दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ कि 6 महीने तक यदि आपने घी, ऑयली मसाला ये सब चीज़ें अवॉइड कर दिया तो सच में बहने कोई प्रॉब्लम आपको भविष्य में कभी ऑपरेशन की वजह से तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा, ठीक है। फिर जब हमारा 1.25 महीना हो गया तो मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, थोड़ा सा ताकत के लिए, क्योंकि जो भी बच्चा होता है चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन, और ऑपरेशन वाले जो ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है ना, शरीर हमारी वीक हो जाती है बहने। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमको 1.25 महीने तक हमें बहुत अपना केयर करना पड़ता है और उतनी ताकत की चीज़ें हमें खाने को नहीं दी जाती ना, हम लोग खाते हैं 6 महीने के बाद। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती तो 5वें 6वें दिन में सठोरा, कहीं कुछ ले लीजिए खा लेती हैं, छुहारा बादाम सब खाने लगती हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ना आप लोग ऐसा करिएगा कि आप लोग अपने शरीर से चीटिंग बिल्कुल मत करिएगा कि आप किसी के बहकावे में पड़ गए, अरे यार काजू खा लो, अरे यार बादाम खा लो, नहीं बिल्कुल मत खाना सिस्टर, बहुत ही नुकसान करता है। क्योंकि हमारी जो पेट की परत होती है, 3 परत होती है, ठीक है, ऊपर हमारे 3 परत में हमारे पेट चीरे जाते हैं, तब जाके हमारा बच्चा निकाला जाता है। पहले परत में टांका लगता है, दूसरे परत में टांका लगता है, तीसरे परत में टांका लगता है, 3 टांके लगते हैं, जो तीसरा होता है ना वो मांस में होता है, वो गल जाता है, चिपका जाता है, वो धीरे धीरे गल जाता है। वो से दूसरा टांग जो ऊपर होता है वो बाहरी टांका होता है, पर जो अंदर से जो 2 होते हैं ना उसकी देखभाल जैसे ही हम, क्योंकि ऊपर से तो सूख गया, अगर अंदर से कच्चा रह जाएगा ना वही आगे चल करके आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और ये वीडियो स्किप मत करिएगा प्लीज़, आप लोग पूरा देखिएगा, थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी हो जाएगी पर प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप पूरा देखिएगा, यदि आप इसको फॉलो करोगे तो ज़िंदगी में कभी सिजेरियन के बाद बीमार नहीं होगे, इतना मैं पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ। तो जो दूसरी होती है ना वो हमारे अच्छे खान पान से, अच्छे देखभाल से, अच्छे केयर से वो हमारे टाके जिंदगी भर के लिए सूख जाते हैं और हमें भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती, ठीक है। और ऑपरेशन के बाद बहुत से लोग कहते हैं चलो नहीं पड़े रहो ये करो, हाँ आप चाल फिर जरूर करो, सिर्फ क्या करो आप वजन चीज मत उठाओ, 6 महीने तक आप वजन चीज मत उठाओ, ऐसी भारी चीजें मत उठाओ जिससे आपको प्रॉब्लम खड़ी हो, आपके टांके में स्वेलिंग आए, सूजन आए, कुछ ऐसा कुछ भी मत करो। लेकिन हाँ वॉक करो, खाना खाने के बाद आप 10-15 राउंड मारिए आप, चलिए ठीक है। और आप अपने बच्चों को भी लो, गोद में लो, खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब देखिए, ये सब दिखावटी वाला जो लोग ऊटपटांग बोलते हैं उनकी बातों में तो आप बिल्कुल मत आना। फिर हमारी माँ जब 1.25 महीना मेरा हो गया तो मेरी माँ क्या करती थी, रात में दूध में मखाना, 4 काजू, 4 बादाम, थोड़ी सी किशमिश, ठीक है, इतना चीज मेरी माँ एक कटोरी दूध में, और थोड़ा सा आपसे बता दूँ 1.5 चम्मच या 2 चम्मच छोटा वाला पोस्ता का दाना, ठीक है, उस मगज, आप लोग मगज नहीं सॉरी पोस्ता का दाना, हम लोग पोस्ता का दाना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मैं नहीं जानती। तो रात में उसको कटोरी में दूध में ये सब चीजें भिगा देनी है, क्या क्या, पोस्ता का दाना, 4 बादाम, 4 काजू, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा मखाना, रात में आप दूध में भिगा दीजिए, रात भर भीगा रहने दीजिए। सवेरे मेरी माँ क्या करती थी, उसको मेरे यहाँ पहले मिक्सर नहीं था यार, इतने साल हो गए, मेरा बेटा 22 साल का हो गया, 22 साल हो गए, उस समय मिक्सर मेरे घर में नहीं था। मेरी माँ क्या करती थी, और उसको सिल में पीस लेती थी, दूध सहित तो सारी चीज़ को पीस लेती थी, पीस बारीक पीस ले या दरदरा थोड़ा सा पीस लेती थी। पीसने के बाद मेरी माँ आधे चम्मच, छोटा वाला जो चम्मच होता है, आधा चम्मच के करीब कढ़ैया में घी डालती थी मेरी माँ, बस उसी में उसको भून देती थी। और चीनी कितना डालती थी, इतना सा चीनी डाल करके बढ़िया हलवा बना के मेरी माँ एक कटोरी में मुझे रोज मॉर्निंग खाली पेट मेरी माँ देती थी।
उसी को मैंने खाया जो आज आप लोग देख रहे हो मेरे सामने। मैं आपके सामने मैं हूँ, और आज तक ऑपरेशन की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सच में मेरी माँ ने मेरी बहुत केयर की है, मेरी और मेरे बच्चों की बहुत केयर की, मेरे मम्मी पापा मेरी बहुत केयर किए हैं। फिर वही मेरी माँ मुझे डेली देती थी, डेली समझ लीजिए। मैं उसको काफ़ी दिन तक खाई हूँ, मुझे याद नहीं है मैं कितने महीने तक खाई हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने खाया है, उसी को मॉर्निंग में खाया है और मेरा शरीर मजबूत हो गया है। उसके बाद साल भर हो गया, 7-8 महीना हो गया, साल भर हो गया, उसके बाद मेरी माँ अलसी का लड्डू बनाई थी, क्योंकि तेल होता है इसलिए हम उसको अवॉइड किए थे। यही मैंने ताकत की चीज़ें खाई है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसको इस्तेमाल करना। अगर आप लोग आप भविष्य में ऑपरेशन की वजह से यदि कोई दिक्कत नहीं चाहते हो तो इसको ज़रूर करना। और उसके बाद 1 साल हो गया तब मेरी माँ अरसी के सठौरा बनवाई थी, हमारे इलाहाबाद साइड में अरसी का सठौरा चला करता है, तो मेरी माँ उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ गुड़ का बनवाई थी, तो मैं खाई थी। बाकी मैंने जो है सुबह यही खाया, हलवा खाया, सिंपल खाना खाया, दाल रोटी सब्जी चावल, हाँ थोड़ा सा इतना सा चावल लेती थी, बाद में 6 महीने के बाद मैं इतना सा चावल लेके खा लेती थी, वो भी रात में नहीं खाती थी, दिन में खाती थी। और बच्ची की भी बहुत हमने केयर की है, मैंने भी की है, मेरी माँ ने भी किया है, मेरे भाई ने भी किया है, पाला पोषा वहाँ घर में मेरा भाई ही बच्चे को देखता, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी हो गया था जल्दी। तो यही कह रही हूँ आप, जितना मैंने बताया है इतना आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर के 6 महीने तक आप लोग फॉलो करना। सच में आप लोग देख लेना, आप लोग को भविष्य में कभी भी ऑपरेशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं गारंटी से कह रही हूँ, लिख के रख लीजिए। अगर मेरी बात यदि आपको यदि मैं कोई झूठ बताई होंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं जो बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने खुद किया है। और आज कितनी औरतें कांपती रहती यार, ऑपरेशन होएगा या दिक्कत होएगा या होते मोया पिरात है, मोया पिरात है, मोया पिरात है, आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम ऑपरेशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, न मेरे बच्चे को ना मुझे। मेरा बच्चा थोड़ा सेंसिटिव बहुत है, क्योंकि ऑपरेशन वाले बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी हवा भी छू लेती है तो बीमार हो जाते हैं, ये चीज़ था। लेकिन हमने बहुत केयर की बचपन में, अपने बच्चों की बहुत केयर किया है, बहुत देखभाल किया है। छोटा वाला हुआ तो भी हम वहीं थे, मेरी मम्मी ने ही बहुत देखभाल की है। तो आप लोग भी इसी तरह ऑपरेशन के बाद अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिए, देखभाल करिए, साफ सफाई से रहिए, अपना भी करिए, अपने बच्चे का भी करिए, खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप करिए। देख लीजिए आप कभी बीमार नहीं होगे, ऑपरेशन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना, शेयर करना, सब्सक्राइबर सॉरी यार जल्दी जल्दी मैं क्या बोल जाती हूँ, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है पर आप फुल वॉच करना, यदि लाभ लेना चाहते हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हो कि ऑपरेशन के बाद अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर देखना। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बताया है, और ये जो भी समझदार लेडी होगी वो ज़रूर मेरे इस बताए हुए नियम को ज़रूर करेगी, जो स्वस्थ रहना चाहती होंगी भविष्य में वो ज़रूर करेंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर इसी तरह वीडियो में अच्छे अच्छे आप लोगों के सामने लाती रहूँगी, आप लोग देखना ज़रूर। जैसे मैंने वो बनाया था तो 1-2-3 सिस्टरों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप सिजेरियन जो डिलीवरी होती है ऐसे अपने और अपने बच्चे की कैसे देखभाल करते हैं, खान पान क्या होना चाहिए, क्या सब कुछ होना चाहिए, तो आप शेयर करिए। तो मैंने आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। तो ठीक है, रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।